जवाकों के खेडन छोटे छोटे पंगूड़िया झूलियां का खास प्रबंध, सैल्फी लैण खास सैल्फी कारनर, प्रेयर एरिया, साफ सुथरे वेटिंग रूम, पीण योग साफ पानी, दिव्यांगों लई व्हीलचेयर, खास किस्म के बाथरूम, टी वेंडिंग मशीन, कोविड महामारी नूं ध्यान च रखते हुए हर तरह दीआं सहूलतां। यह सारा दृश्य जलंधर के हंसराज महला महाविद्यालय के अंदर बनाए गए मॉडल पोलिंग स्टेशन का, जिथे 20 फरवरी नूं पैण जा रही विधानसभा चोणां के मद्देनज़र वोटरां लई हर तरह की सहूलत का प्रबंध किया गया। इस मौके पर इस कॉलेज दीआं प्रोफेसर अते विद्यार्थियों ने उत्साह दिखाते हुए हैरान करने वालियां जानकारियां दित्तियां। इसमें सुपर है जो हमारा एक मॉडल पोलिंग बूथ है, आप देख रहे हो, इसका टाइटल भी देख रहे हो, वो है जो आम वोटर्स को प्रोत्साहन देगा कि वो अपनी वोट पोल करें और उनके लिए जो सुविधाएं दी गई हैं उसको खास तौर पे देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो गेट के अंदर ही आओगे तो आपको वहाँ भी एक स्माइलिंग फेस BLO का मिलेगा जो आपको बताएंगे कि आपने किस तरफ जाना है। वोटर जब अंदर आ गया तो उसके लिए उसको खड़े होना, बैठने के लिए जगह सब कुछ प्रोवाइड की गई है और वो आराम से अपना जो है अपनी जो टर्न की वेट कर सकता है। उसके बाद जो बच्चे हैं, जो महिलाओं का खास तौर पे ख्याल रखा गया कि महिलाओं के साथ बच्चे आएंगे और बच्चों को सहूलियत देनी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखना है कि हम जो वोट मम्मी के साथ आए हैं तो वोट कैसे पड़ती है। तो उनके लिए बैठने के लिए, खेलने के लिए प्रबंध किया गया। आप देख सकते हो बच्चों का खेलने का घर छोटा सा बूथ बनाया है। उसके साथ ही कुछ जो वेटिंग रूम है वो बना, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। और साथ ही जो दिव्यांग हैं, जो जिनको शरीर तौर पर कुछ मुश्किलें हैं, उनके लिए भी खास ख्याल रखा गया है। और जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है वो एक नया प्रयास है जो यंग वोटर्स में भी एक भावना डालता है कि उन्होंने अपने देश के निर्माण में अपना जो है योगदान वो डाल। इस वास्ते इत्थे सेल्फी कॉर्नर्स जेडे कि हैंड पेंटेड सेल्फी कॉर्नर्स ने वो बनाए गए ने। इस तो अलावा नेल आर्ट कॉर्नर है, क्रच फैसिलिटी है जिस विच बच्चों वास्ते झूले ने, बच्चों वास्ते खिडौने रखे गए ने, वेटिंग लाउंज एक तैयार किया गया है जिन्हों की वेटिंग एरिया कहा जाता है, उस दे विच टी वेंडिंग मशीन लाई गई है, चाय कॉफी की सुविधा, रिफ्रेशमेंट एरिया, वेलकम द बूथ रखा गया है। श्री घनश्याम थोरी जी आर रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर कम DEO, इन्होंने काफी ज्यादा एदे विच इनोवेशन करके एक ऐसा मॉडल पोलिंग बूथ इत्थे स्थापित किया है हंसराज महिला महाविद्यालय च, जिहड़ा अपने आप विच बहुत यूनीक है, विलखण है, ते वोटिंग नूं एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस बनाउण दे विच इह बूथ दा जरूर सहयोग रहेगा, हाथ रहेगा। एक प्रेयर एरिया भी तैयार किया गया है, नाल ही नाल कोविड आइसोलेशन वार्ड है, सेल्फी पॉइंट्स जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया ओह तैयार किए गए ने। ते आओ इस बूथ नूं जरूर वेखो ते लोकतंत्र दा त्यौहार मनाओ, क्योंकि जदों वोटर आणगे उहनां नूं इत्थे एक बड़ा फेस्टिव जिहा माहौल मिलेगा ते उहनां नूं एक बड़ी फेस्टिव वेलकम भी मिलेगी। लाइव शेर आ जिहड़ा कि पंजाब विधानसभा चोणां दा मैस्कॉट है, उह भी उहनां नूं एस्कॉट करेगा। सो इह सारा कुछ बहुत ही खूबसूरत होण वाला है ते लोकतंत्र दा त्यौहार बहुत ही खूबसूरती नाल, बहुत ही एलीगेंट तरीके नाल इत्थे मनाया जाएगा। थैंक यू ऑल वेरी मच। मॉडल पोलिंग स्टेशन जो इस बार लगे हैं उसमें हमारी पहली वोट है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पर PWD पेशेंट्स के लिए भी अलग से फैसिलिटीज़ जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मेल की जो है लाइन अलग लगेगी, फीमेल्स की यहाँ पर लाइन अलग लगेगी। यहाँ पर जो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है वो है क्रेच की, कि अगर हमारे साथ कोई भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तो वो क्रेच में जा सकते हैं, और साथ ही वेटिंग रूम भी है कि अगर लाइन बहुत बड़ी है तो हम वेटिंग रूम में भी वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे COVID-19 के सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया है, और साथ ही साथ क्लीनिनेस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजिंग होगी, गेट पर भी प्रॉपर सैनिटाइजिंग होगी, इसके साथ साथ मास्क भी जो है ये खुद ही प्रोवाइड करेंगे, और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। एक्साइटेड तो बहुत हूँ मैं, जैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं हमारे खुद के कॉलेज में ये वोटिंग का सारा प्रोसीजर चल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। यस, पता है मेरे को अलग अलग मतलब लेन्स डिफरेंट बनाई है मेल्स और फीमेल्स के लिए, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सैनिटाइज़र, हर बूथ में सैनिटाइज़र की फैसिलिटी है, पानी पीने की फैसिलिटी है, डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है,
उनके जो वो सब कह रहे कि मैं ये करूँगा उनको ध्यान में ना रखते हुए, क्योंकि सब यही कहते हैं वोटिंग के टाइम पर लोगों को अपने फेवर में करने के लिए कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बाद में चाहे करते नहीं है, इसके अलावा मैं उस कैंडिडेट को ध्यान में रखूँगी कि वो कैंडिडेट कैसा है, इफ़ ही इज़ एजुकेटेड और नॉट, करप्टेड है या नहीं है, कैंडिडेट को ध्यान में रखती, क्योंकि कैंडिडेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टी को, अगर कैंडिडेट अच्छा है तो वही तो काम करेगा आगे जाके, उसका ही तो मेन पावर है उसके हाथ में, पार्टी वो तो सब उसके हिसाब से चलेंगे ना। बीइंग अ स्टूडेंट एजुकेशन इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, कि अगर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरे पेरेंट्स तो वो तो बातें करेंगे कुछ भी। मैं ये सोच कर करूँगी कि वो हमारे नेशन के लिए क्या कर रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादातर लोग उसको ध्यान में नहीं रखते, एंड इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं और स्टूडेंट्स भी जॉब्स ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, इसी वजह से वो लोग ये चीज़ को ध्यान में रखें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिले और ताकि उनकी सैलरीज भी इंक्रीज़ हों, थोड़े थोड़े सैलरी पैकेजेस में वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, जो सही पार्टी है उनको देख के, क्योंकि पार्टीज अपने अपने टैक्टिक्स यूज़ करेंगे अपनी पार्टीज़ को जिताने के लिए ऑफ कोर्स, इसी वजह से हमें उनको ध्यान में रख के वोट करना चाहिए कि वो कैसे आगे हमारे नेशन को सही करेंगे और उनको कैसी कैसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और वो सेल्फ अवेयर भी हो कि वो जो चीज़ें बोल रहा है वो आगे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट फिर ये सिटीजन्स के दिमाग में उनके रिलेटेड अलग सी इमेज बन जाती है कि ये लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हम फिर आगे जाके उनको वोट नहीं करेंगे जो हमारे लिए नहीं कर पा रहे कुछ भी, इसलिए हम उनको ध्यान में रखेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा करें और वो लीडर्स अच्छे हों। नहीं, उनकी राय पे जाके नहीं, मैं अपनी चॉइस से कर रही हूँ और मैं अपने चीज़ों को देख के कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें वो करेंगे। हकीकत टीवी पंजाबी दे लई जलंधर तो दविंदर कुमार की रिपोर्ट।